हेलो गाइस, आज मैं पेशिंग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ द राइडर। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो मेरे न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो गाइस, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने माइक अनबॉक्सिंग किया था। ये वाले वीडियो में मैंने अगेन ट्रैवल से रिलेटेड और एक इक्विपमेंट परचेस किया। यस, हम लोगों ने और एक अपग्रेड किया है। तो मैंने क्या अपग्रेड किया है वो मैंने ये किया है। यस गाइस, सो मैं ट्राईपॉड मंगाया है, मैंने यूलांसी का ट्राईपॉड मंगाया है। सो मैंने सोचा कि क्योंकि मतलब अनबॉक्सिंग का मौका मिलता है, तो लाइक हम ब्लॉगर्स के लिए एक बहुत बड़ा एक कंटेंट वाली बात होती है, कंटेंट यू नो बढ़ाने की बात होती है। तो मैं बोला क्यों ना इस अनबॉक्सिंग का फ़ायदा उठाया जाए और एक कंटेंट बनाया जाए आप लोगों के लिए। तो एनीवेज गाइस, फटाफट से उसको अनबॉक्स करते हैं विदाउट एनी टाइम। इससे पहले कि मैं उसको अनबॉक्स करूँ, मैं आपको कुछ इसकी डिटेल्स दे देता हूँ। डिटेल्स एज इन फ्रेस, मैंने इसे अमेजोन से मैं परचेस किया है और मुझे पड़ गया अराउंड 1496 रुपीज़ में। एंड क्योंकि अमेजोन में 7 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी होता है, तो मैंने थोड़ा सा ओपन कर लिया था, थोड़ी बार कंफर्म हो जाए कि प्रोडक्ट है कि नहीं तो पता चला कि प्रोडक्ट की जगह पे कुछ और गया। नहीं, वो तो हम होने नहीं देंगे। चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैंने आपको प्राइसिंग बता दिया है एंड मैंने अमेजोन से मंगाया है, और ये जो कंपनी है वो यूलांसी की कंपनी, यूलांसी की कंपनी से मैंने ब्रांड का मंगाया है। इसको फोटो में तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ओके, सामने से ऐसा है एंड दैट्स इट गाइस। इसमें से कुछ डिटेलिंग दी गई है, तो इसको ओपन करते लेट्स सी कैसा है। कुछ भी नहीं अंदर, तो उसको साइड में रख देते हैं फिलहाल। तो गाइस, इसमें आपको मिल जाता है एक लव लेटर। अगेन, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। तो इस तरीके के पैकिंग में आता है गाइस। ओके, इस तरीके का दिखता है प्रोडक्ट। इसमें यूलांसी की ब्रांडिंग है। इसमें एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लाइट्स लगा सकते हैं या माइक लगा सकते हैं। वैसे माइक के और एक ऑप्शन मैं ऊपर बता दूंगा। जो DSLR होता है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि हर DSLR के नीचे एक स्क्रू फिटिंग के लिए होल दिया रहता है, तो आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो और इसको DSLR का भी इसे शूट कर सकते हो डायरेक्ट। एंड अगर आपको DSLR से शूट नहीं करना है, मोबाइल से करना है, तो इसमें वो भी ऑप्शन इस तरीके से। तो गाइस, यहाँ पे लग जाएगा मोबाइल। एंड द बेस्ट पार्ट इज, यहाँ पे माइक लगाने के लिए ऑप्शन भी है, जिसको शू माउंट बोलते हैं। अगर आप इसको मोबाइल में अगर शूट करते हैं, तो उसमें आपको माइक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आप DSLR से शूट करते हैं, तो आप ये सोचेंगे कि माइक का ऑप्शन फिर कहाँ, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। वैसे तो लोग DSLR में जो लगाते हैं माइक, वो इस तरीके का दिखता है, तो DSLR के ऊपर ही माइक लगाने की जगह होता है। तो अगर आप DSLR के ऊपर माइक लगा रहे हो, तब भी आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है एक्स्ट्रा लाइट्स लगाने के लिए। एंड इनकेस अगर आप मोबाइल से शूट कर रहे हो इस यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको माइक लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। शू माउंट है एज वेल एज आप ये वाला जो जगह है, यहाँ पे आप फ्लैश लगा के इसको यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली देखा जाए तो ये प्रॉपर ब्लॉगिंग सेटअप है एंड ये मल्टीटास्किंग है। एंड नॉट ओनली दैट गाइस, ये यहाँ पे ऐसा 360 वे में घूमता है। तो नॉर्मली ट्राईपॉड में ऐसा होता है कि वो स्ट्रेट रहेगा, और या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, दैट्स इट, उससे तो कुछ नहीं होने वाला। बट गाइस, इसमें बेस्ट पार्ट ये कि 360 होता है, एंड जिस किसी भी शेप में आपको रखना, आप रख के इसको टाइट कर सकते हैं, दैट्स इट। यू कैन ऑल्सो रिमूव दिस होल पार्ट इफ़ यू वॉन्ट टू। ठीक है, ये ओपन होता है यहाँ से, मैं भी ओपन नहीं कर रहा हूँ। या पूरा ओपन कर सकते हो, इसको अलग कर सकते हो अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो। सो टोटली फ्लेक्सीबल है, काफ़ी सारे ऑप्शन है, मल्टी टास्किंग ट्राईपॉड है। एंड मुझे पड़ गया ये अराउंड 1496 में। तो दिस वॉज द अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू अबाउट दिस यूलांसी का ट्राईपॉड। एंड द बेस्ट पार्ट इसे काफ़ी ड्यूरेबल लग रहा है, काफ़ी हैवी भी लग रहा है। तो गाइस, मेरे पास जो जितने भी DSLRs है, उसमें ये काफ़ी अच्छे से उसका वेट हैंडल कर लेता है बहुत इजी तरीके से। तो इस पर कोई इशू नहीं है। नॉर्मली सब नॉर्मली आप कोई छोटा ट्राईपॉड अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसका वेट जो होता है DSLR का, वो हैंडल नहीं कर पाता है। बट इसका ये जो स्टिक कहती है, ये काफ़ी स्ट्रांग है, DSLR के वेट काफ़ी इजीली इसको हैंडल कर लेता है। तो अभी मैं इसको स्टार्ट यूज़ करना स्टार्ट करूँगा। वेयर एंड टेयर से जो भी इसका इफ्स एंड कॉन्स होगा, कुछ दिन बाद मैं इसके लिए कलर से वीडियो लेकर आऊँगा। जैसे गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा पसंद आया तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, लाइफ ऑफ द राइडर्स। एंड मेरा फूड ब्लॉग भी है, फूड डिलीशियस जैसे। सो एज ऑलवेज, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रान, बाय।